अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के टाइटल में मैंने जिस मोबाइल का ज़िक्र किया है, इसको फ्लैश करने के लिए सबसे पहले मैं MTK मोबाइल्स के ड्राइवर्स इंस्टॉल करूँगा कंप्यूटर में। अगर आपके कंप्यूटर में MTK के ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं तो आप इस सेटअप को इग्नोर कर दें, और ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन का जो अमल है वो सिंपल है। आप सेटअप की फ़ाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो नॉर्मल तरीके से ही ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे। ड्राइवर इंस्टॉलेशन में वक्त लगाएगा, तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। और इस तरह हमारे कंप्यूटर में MTK के जो ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। सामने टूल पे ओके करेंगे और अब हम मोबाइल को फ्लैश करने की तरफ चलेंगे। तो टेक्स्ट फाइल में मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ कि आपने तमाम फाइल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेनी है, और जिसमें आपको फ्लैश फाइल, SP फ्लैश टूल और MTK के ड्राइवर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम SP फ्लैश टूल को ओपन करेंगे डबल क्लिक से। SP फ्लैश टूल कुछ इस तरह सा क्या आपको नज़र आएगा। SP फ्लैश टूल हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे SP फ्लैश टूल में तीन अदद लाइंस हैं ऊपर की जानब, यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज़ पे और DA की फ़ाइल लोड करेंगे। बाज़ुकात आप SP फ्लैश टूल के फोल्डर में से DA की फ़ाइल सेलेक्ट करने से भी आपका मोबाइल फ्लैश हो जाता है, जैसे कि पुराने मॉडल्स हों, लेकिन अगर नया मॉडल है तो DA की फ़ाइल उसके लिए स्पेशल डाउनलोड करनी पड़ती है। और दूसरे सेक्शन में हम मोबाइल का जो फर्मवेयर की फ़ाइल है उसके फोल्डर में से टेक्स्ट की स्केटर फाइल लोड करेंगे। लोड होने में बाज़ुकात टाइम नहीं लगता, लेकिन बाज़ुकात चेकसम की कुछ वेरिफिकेशन वगैरह होती है, उस पे ये पिंक कलर की जो पट्टी चल रही है ये वक्त लगाता है। तो यहाँ पे हम कुछ देर इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम ये हमारी फ़ाइल लोड हो चुकी है, पार्टीशन की सूरत में हमें नज़र आ रही है। प्री लोडर की फ़ाइल को मैंने अनचेक कर दिया, और इसके बाद हम मोबाइल की बैटरी निकाल देंगे। अगर बैटरी नहीं निकल रही तो उसको पावर ऑफ कर देंगे और मोबाइल को कंप्यूटर के साथ ऑफ हालत में, कंप्लीट ऑफ हालत में कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम कंप्यूटर के साथ मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, MTK का कोई भी फ़ोन हो, तो डिवाइस मैनेजर में हमें MTK का जो पोर्ट है वो नज़र आएगा। अभी मैं मोबाइल को कनेक्ट करने लगा हूँ, तो अभी यहाँ पे मेरे कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में MTK का पोर्ट शो होगा। तो जैसे MTK का पोर्ट शो होगा, SP फ्लैश टूल पे आपको सबसे पहले रेड कलर की लाइन चलती नज़र आएगी। जैसे कि अभी मैं कनेक्ट करने लगा हूँ, तो ये मैंने चली। उसके बाद जो मोबाइल की फ्लैशिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। फ्लैशिंग का प्रोसेस
हमारा वक्त लगाएगा 5 से 10 मिनट, या आपकी फर्मवेयर की फाइल पे डिपेंड करता है कि उसकी साइज़ कितना है, और उस साइज़ के मुताबिक वो वक्त लगाएगा। फ्लैश होने में वक्त लगाएगा, तो तब तक इंतज़ार करते हैं जब आपके मोबाइल पे आपका जो SP फ्लैश टूल है वहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होने का मैसेज नहीं आ जाता। तब तक आपने कंप्यूटर से मोबाइल को डिसकनेक्ट नहीं करना, और इस दौरान ख्याल रखना है कि मोबाइल को नहीं छेड़ना जब तक फ्लैशिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके अलावा मैं आप लोगों को समझा दूं कि जब मोबाइल आप कनेक्ट करते हैं सुर्ख पट्टी चलती है, और सुर्ख पट्टी के बाद किसी किस्म का एरर आप लोगों को शो होता है, तो उसका मतलब है कि आपने जो DA की फाइल लगाई है वो मोबाइल के साथ मैच नहीं हो रही, या फिर जो फर्मवेयर की फाइल है उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है। और अगर आपके मोबाइल में आपकी जो रेड लाइन है उससे पहले किसी किस्म का एरर शो होता है, तो उसका मतलब है आपके जो ड्राइवर्स हैं उसमें प्रॉब्लम है, या USB पोर्ट में प्रॉब्लम है, या केबल में किसी किस्म की प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है आपकी DA की फाइल में प्रॉब्लम हो। DA की फाइल चेंज करके आप ट्राई कर लें, लेकिन ज़्यादातर DA की फाइल वही यूज़ की जाती है जो SP फ्लैश टूल के मेन फोल्डर के अंदर आपको मिलती है। अगर उस DA की फाइल से आपका मोबाइल की फ्लैशिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा या शुरू नहीं हो रहा, तो आप DA की फाइल मैनुअल तरीके से आप गूगल पे सर्च करें, दूसरी डाउनलोड कर लें, क्योंकि आजकल के नए मॉडल्स, नए मोबाइल्स जो MTK चिप में आते हैं उनको DA की स्पेशल फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।